हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मर्चेंट नेवी ऑफिसर में। माय नेम इज समू छेत्री और मैं एज अ डेक ऑफिसर सेल कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो था मैंने वो बनाया था, आप 12वीं कक्षा के बाद मर्चेंट नेवी का इसकी इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने IME और CD के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया था। तो अब इस वीडियो में मैं ये बना रहा हूँ IME CET और कंपनी स्पॉन्सरशिप के ऊपर। कंपनी स्पॉन्सरशिप मैं इस वीडियो पे पूरा कवरेज नहीं करूंगा, कंपनी स्पॉन्सरशिप के, ताकि नहीं तो ये वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो कंपनी स्पॉन्सरशिप है जो वो नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपलोड करूंगा। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियो जो है स्पॉन्सरशिप जो है कंपनी के स्पॉन्सरशिप के ऊपर मैं जो बना रहा हूँ उस वीडियो का अपडेट आपके पास में आए। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो डेक के डेट के लिए बना रहा हूँ। 12वीं जो कक्षा देने के बाद में आप लोग एज ए ऑफिसर मर्चेंट नेवी लाइफ किस तरह से ज्वाइन कर पाएंगे, तो मैं अभी यही डिस्कस करूंगा IME CET के एग्जाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप सभी को मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। IME CET जो रहता है वो है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के बाद ही जो है आप जो है DNS, BSc या आप BTech के लिए एडमिशन ले पाएंगे। तो ये से टेस्ट जो है साल में दो बार कंडक्ट होती है। एक तो होती है आपकी जो जून में होती है, और एक फेब बैच के लिए होती है, मतलब अगस्त बैच के लिए और फेब बैच के लिए। तो अभी जो है फेब बैच 2023 के लिए ऑलरेडी IME CET ने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन खोल दिया है। ये 29 मार्च से चालू हुआ है और इसका लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है वो है 16 मई। तो भाई लोग, जो लोग इस मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज इस वेबसाइट पे जाइए, www.imu.edu.in। इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो भर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फोटोग्राफ्स, क्लास 10 के मार्कशीट, क्लास 12 के मार्कशीट, ये सारे के स्कैन कॉपी जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो है इसकी है 1000 रुपीज फॉर आपकी जनरल और OBC के लिए, और SC और ST के लिए जो है वो है 700 रुपीज। तो दोस्तों देर मत कीजिए, आप लोग जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप लोग इस कैरियर लाइन इस मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्म फर्स्ट बेसिस सर्विस है यहाँ पे, तो सीट बोर्ड लिमिटेड होती है। तो IME की जो है वो है ऑल ओवर इंडिया में 6 कैंपसेस है। वो कहाँ कहाँ है, आपके मुंबई में है, कलकत्ता में है, कोलकाता में है, और आपकी विशाखापट्टनम में है, चेन्नई में है, और आपकी कोचीन में है। तो मुंबई में 2 कैंपसेस है इनके। TS चाणक्य है, लाल बहादुर शास्त्री है, कोलकाता में जो है IMPM है, विशाखापट्टनम में NSDRC है, मतलब नेशनल शिप रिसर्च डिजाइन सेंटर जो है वो NSDRC है। IME चेन्नई में है, नेशनल मेरीटाइम अकेडमी और IME कोची में है कैंपस। तो इसमें 6 कैंपस है। और इसी तरह IME ने 17 और इंस्टीट्यूट को एफिलेटेड किया है, मतलब 17 और इंस्टीट्यूट में आप जो है अगर आपका IME कैंपस में नहीं मिला तो दूसरे इंस्टीट्यूट में आप जो है अपना कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आप IME CET के एग्जाम अपियर होने के बाद, क्लियर होने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो, उसके पहले नहीं ले सकते। तो आपको ये कैरियर स्टार्ट करने के लिए IME CET के एग्जाम देना पड़ेगा। तो IME CET के एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, ये नॉर्मल जो आपके क्लास 12 के जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड होती है। तो इसमें जनरल जो होती है, मैं सिलेबस में बता देता हूँ आपको, जो है इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन होती है, आपकी जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर में होती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर ही होती है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होती है, मतलब सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 200 क्वेश्चन आती है, पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होती है। तो आप लोगों को जो है 200 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, और पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो इसके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, उस क्वेश्चन पे आपको खाली 0 मार्किंग होगा। तो ये बात होगी आपकी जो पैटर्न्स की, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, आप पढ़ेंगे कहाँ से। तो मेरा यही रिकमेंड है, आप जो है NCERT का जो बुक्स है, NCERT का जो बुक्स है अमेजोन में आप देखिएगा, अमेजोन में आप अप्लाई ये कर दीजिए, ज़्यादा दाम नहीं है, 400 से 500 रुपये दाम है। तो आप NCERT का बुक लीजिए, उस बुक को आप पढ़िए, और उसी से आपका जो है मैक्सिमम जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा IME CET के लिए। तो ये IME CET का एग्जाम जब आप देंगे, ये 29 मई 2022 को कंडक्ट हो रही है, मतलब 29 मई 2022 को कंडक्ट होगी, और इसकी जो रिजल्ट है वो 3 जून को अनाउंस होगी, वो भी ऑनलाइन हो जाएगी आपको। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आप जो है पास करके कर लिए या फेल कर गए।
तो आप जो है कैंडिडेट जो रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, कैंडिडेट जो है रिजल्ट आने के बाद में 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग इन द सेंस मतलब IIM में जो है आपको 10,000 रुपये जो है काउंसलिंग के चार्जेस है, तो 10,000 रुपये जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा IIM पे। अब IIM क्या करेगी, IIM जो है नॉर्मली जो है आपकी रैंकिंग के हिसाब से, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट प्रीफर करेगा। तो अगर आपका रैंकिंग अच्छा रहा और IIM कैंपस में आपका एडमिशन मिल गया तो वेल एंड गुड। मैंने भी इसे बताया था IIM कैंपस जो है वो 6 कैंपस में, IIM आपको बता देगा कि आपका जो है सिलेक्शन जो है IIM कैंपस में हो गया, तो आपको जो है उसका फीस जो है 25,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और अगर आपका IIM में सिलेक्शन कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि आपको जो रैंक सर्टिफिकेट वो IIM वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप जो इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि एंग्लो हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, उसके बाद तोलानी हो गया, SCI हो गया, मतलब 17 जो और इंस्टीट्यूट है, 17 इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए उस 17 इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है और किस किस इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्स होता है, इसके सारे डिटेल जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए कि आप लोग को किस इंस्टीट्यूट में करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप रैंक सर्टिफिकेट लेंगे, रैंक सर्टिफिकेट लेके आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे एडमिशन के लिए, एज पर योर रैंकिंग वो इंस्टीट्यूट आपको जो है सिलेक्शन करेगी। तो सिलेक्शन करने के बाद आपकी जो चार्जेस है वो अलग इंस्टीट्यूट का अलग चार्जेस है, वो डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट, बट IIM कैंपस में इट कॉस्ट अराउंड 2,25,000। तो 2,25,000 में 25,000 जो है आपको जो सिलेक्शन होने के बाद सीट कंफर्म होने के टाइम में देना पड़ेगा, कि आप 25,000 रुपये जब दे देंगे तभी आपका जो है सीट कंफर्म होगा। और आपने जब 25,000 दे दिया और सीट कंफर्म हो गया और आपने उस IIM कैंपस से मतलब अपने कोर्स नहीं किया तो क्या होगा आपका वो 25,000 आपका डूब जाएगी, IIM फिर आपको रिफंड नहीं करेगा, दैट इज नॉन रिफंडेबल। और फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर जो है आपको 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में जो है आपका और 1,00,000 रुपये देना, टोटल कॉस्टिंग है 2,25,000 रुपये। तो और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट कॉस्टिंग है, ये DNS के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और BSc की अलग कॉस्ट है और BTech की अलग कॉस्ट है, तो वो आपको चार्जेस जो है IIM सब कुछ बता देगी। ये मैं DNS के बारे में आपको बता रहा हूँ, BSc के बारे में बता, BTech के अलग चार्जेस है, तो BTech के लिए आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं एज ए डेक ऑफिसर है तो मैं आप लोग को यही बता पाऊंगा डेक से रिलेटेड क्या है। तो अभी आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा, IIM CET के एग्जाम के पहले बहुत सारी कंपनी जो है वो स्पॉन्सरशिप कंडक्ट करती है, मतलब IIM जो CET के एग्जाम से पहले भी कंडक्ट करती है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो IIM CET के बाद भी कंडक्ट करती है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैं वही बताऊंगा स्पॉन्सरशिप कंपनियां के बारे में, कि कौन कौन कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है और किस तरह से आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या तरीका है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो है उसका अपडेट आपको आए और आपको गाइडलाइंस मिल पाए कि स्पॉन्सरशिप किस तरह से आप लोग ले सकेंगे। तो यही क्राइटेरिया है अब IIM का। तो और जो मैं बात करने वाला हूँ IIM का, जो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है आपकी जो क्लास 12 में जो है आपका एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए 60% से ऊपर, PCM में जो है वो है वो आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से 25 साल होना चाहिए और अनमैरिड। अगर आप एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप क्या कीजिए, फिर अप्लाई ऑनलाइन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप लोग एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आप लोग जो है ऑफिसर रेड कैटेगरीज में एडमिशन नहीं ले सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते मर्चेंट नेवी में, फिर उसके लिए दूसरे कैटेगरी है, उसके बारे में अगला वीडियो में उसके बाद वाला वीडियो में मैं बनाऊंगा जरूर GP रेटिंग के ऊपर में, GP रेटिंग किस तरह से करेंगे और आप किस तरह से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर पाएंगे। तो यह हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं यही दोस्त बोल रहा हूँ, आप लोग जो है NCERT का बुक्स जरूर मंगवा लीजिए और उससे थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए अपना सिलेबस को, और वो बुक काफ़ी है आपके लिए IIM CET के एग्जाम क्लियर करने में। तो भाई लोग, जो लोग अगर इस लाइन पे करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्द से जल्द जाओ, अप्लाई करो ऑनलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म भरो ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन करो और जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। और मैं यही बोलता हूँ कि ये एग्जाम काफी हार्ड नहीं, आप लोग इसका क्लियर कर लोगे थोड़ा सा अगर आप लोग ये करते हो। और इसकी जो सिलेबस में वही बताया था, जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर में, या उसके बाद इंग्लिश के ऊपर में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो प्रायोरिटी सिलेबस ही होती है उसी के ऊपर में। तो ये सब होने के बाद में आप कंपनी का स्पॉन्सरशिप के बारे में जो मैंने बात किया था वो मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ,
उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा और आप लोग को अपलोड करके दिखाऊंगा कि इसके बारे में जो बता रहा हूँ मैं, वो अगला वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो में मैं अपलोड करके यही बताऊंगा कि आप लोग को कौन कौन सा कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है, किस तरह से आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा और क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब मैं इसमें उस वीडियो में डिस्कस करूंगा जरूर। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।